राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज हम आपके साथ आए हुए बिल्कुल से नई रेसिपी के साथ में, यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। तो यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की ओर। तो गुड मॉर्निंग हो गई हमारी यहाँ पर, और जल्दी से अभी मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी बनाई हुई बच्चों के नाश्ते के लिए, और पराठे बनाएंगे। दूध जो है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो पहले इसमें जल्दी से जा करके पहले सब्जी बना लूँगी। फिर बस मेरा जो रूटीन होता है ना, कभी किचन में, कभी कमरे में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ये, कभी वो, मेरा लगा ही रहता है। तो जा करके दूध दे करके आती हूँ बच्चों को। और इसके साथ में कुछ कह रही थी तो उसकी बात भी सुन रही थी। तो यार, मेरा जो डेली का रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करते, तो शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर अभी आज मैं दे रही थी सब्जी और पराठे ही देना था, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलिए आप कुछ जल्दी जल्दी से कर देते हैं। और इधर क्या होता है ना कि अगर जरा सा अगर आप सोचो 5 मिनट और सो ले, तो मतलब 5 मिनट का मतलब यह है कि पूरे आधे घंटे मेरे चले जाते। तो मैं फिर बड़ा इस पर रिस्क नहीं लेती 5 मिनट वाला, कि नहीं तो मैं सो जाऊँ तो फिर लेट हो जाए। तो कुछ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। चलिए फिर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करके देती हूँ। और आपको बता दूँ, आजकल मेरा जो मॉर्निंग और इवनिंग डे सब पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस मेरे कुछ पता नहीं चलता है। आजकल मैं इतना बिजी हूँ कि मेरा अपना कुछ पता ही नहीं रहता है। तो चलिए, यहाँ पर पराठे से गए और एल्युमिनियम फॉइल रैप करने के लिए निकाल लिया हुआ है, और निकाल करके जल्दी से दे दूँ। अच्छा, फिर भी मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले बच्चों को भेजना सही समझती हूँ, इसलिए ना कि कहीं लेट हो जाए तो फिर बच्चे फिर मुंह बनाते मम्मी लेट कर दिया, मम्मी लेट कर दिया। और रुद्रांश का क्या है, कभी डेली में उसको बहुत चिल रहता है, तो कभी कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो बच्चे लोग चले गए हैं, काम भी सारे हो गए हैं, तो यहाँ पर अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। उनके पापा के लिए मैंने अलग से उनकी काली चाय बनाई हुई है, ब्लैक टी, उनको दे करके आती हूँ। और हम लोग जा रहे हैं चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद में फिर से मिलते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा काम जल्दी निपटाना है, कहीं जाना भी है। तो चलिए, तो पहले जा कर के चाय दे करके आती हूँ, ब्लैक टी पतिदेव के लिए। इसके बाद मैं अपने लिए जा कर के पीने वाली हूँ, फुर्सत में बैठकर चाय पीने वाली हूँ। तो चलिए, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, और चाय पीने के साथ साथ में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम जाते हैं, फिर मिलेंगे आपको बाद में। तो चलिए, ये देखिए, तो मैं आ गई और इसके बाद मैं चलती हूँ चाय पीने जा रही हूँ। आज मैं चाय इधर हॉल में आकर के पीऊँगी, उसके बाद में फिर डायरेक्ट खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर आज हमने बनानी है तुअर दाल बनाएंगे, लेकिन सादी नहीं, मसाले वाली बनाने वाले हैं। तो हाँ, थोड़ा सा अभी मैं बिज़ी हूँ, और इसके बाद मसाले हमारे पक गए थे, जो हमेशा मसाले डालते हैं वही डाला हुआ है। तो इसके बाद दालें पका लेंगे। तो यहाँ इसकी फ्लैश लाइट अगर जला दो तो एकदम मतलब फेड कलर आने लगता है, तो यहाँ पर जब लाइट ऑफ करो तो अच्छा सा कलर आ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने दाल चौकदी मसाले पक गए थे, तो हमने पानी डाल दिया जितने की हमारी दाल है, और जितनी आपने मतलब कि दाल को गाढ़ी रखना, थोड़ी पतली रखना, जैसा भी आप अपनी अपनी फैमिली का है, जो जैसे खाता हो। तो चलिए, तो चाय हमारी यहाँ पर अच्छे से खौल रही। इसके बाद चने फ्राई कर लेंगे कुहू के पापा के लिए, और ये देखिए चने डाल दूँगी, बस नॉर्मल जैसे बनाते हो कुहू के पापा के लिए चने बन रहे हैं, तो उनके लिए चने बना रही हूँ। और हम लोग तो बस ऐसे ही चाय और रस्क खाने वाले हैं। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, इसके बाद थोड़ी सी बहुत 1 पिंच हल्दी और 2 पिंच डालेंगे धनिया पाउडर, बस इतना डालने के बाद नमक डाल दिया, और कुछ भी नहीं डालना है। चने जो होते हैं हेल्दी होते हैं, फाइबर तो होते हैं, आयरन होता है, प्रोटीन बहुत होता है, तो बस खाइए, लेकिन मैं कम खाती हूँ। तो चलिए, चने हमारे जो पककर रेडी हो गए हैं, और पक रहे थे अभी रेडी, क्या बस हो जाएंगे 2 मिनट में। तो चलिए आप लोगों को तब तक, क्योंकि पंखे में चलते हैं अंदर, किचन में बहुत गर्म लग रही थी, रियली बहुत ही, मुझे ना सारी मतलब मई तक की तो गर्मियाँ मुझे बर्दाश्त होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जून और जुलाई वाली जब गर्मियाँ आती हैं ना, तो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। तो चलिए, देखो दाल भी हमारी पक रही, चने भी हमारे पक रहे, और चावल हमने धुल के रख दिए हैं। तो जब खाना बनाने में किचन तो फैलता ही फैलता है, तब तक मैंने फिर से आकर के चने चला दिए। और चलिए यार, फिर से थोड़ी देर चलते हैं कमरे में, क्योंकि किचन में बहुत गर्म लग रही है।
तो बस चलिए कमरे में आते, पंखा चलाए, और इसके बाद तो चने हमारे फ्राई हो गए थे, जाकर के कुकर पापा को दे करके आती हूँ। हम लोग रस्क और चाय लेने वाले हैं, और खाने में अपनी बस वही नॉर्मल तुअर दाल होगी, लेकिन मसाले वाली। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो थोड़ा सा समझ थोड़ा सा डिस्टर्ब से चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दाल, फिर दोपहर हो गई थी, मैंने कहा चलिए यार सब लोग खाना ही खा लो, और इसके बाद मुझे और भी कुछ काम निपटाने पड़ रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी रहती हूँ। इसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे शाम को। तो ये हुआ कि चलो यार आज पनीर बनता है, तो पनीर मुझे अलग टाइप से बनाना था, तो वैसा मसाले वाला नहीं बनाना था, जैसे कि मशरूम और उसके पहले उसके पिछले हफ्ते जो बनाया हुआ था, बच्चों का वैसा खाने का मन नहीं था, कुछ अलग खाने का मन था। तो यहाँ पर हमने प्याज, मिर्च, अदरक, काजू, बादाम, लहसुन, इन सबको हमने 10 से 15 मिनट के लिए 1 लीटर पानी में अच्छे से ऊपर मतलब पकने दिया। इससे क्या होगा, जो लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, और हाँ बादाम हमने भिगोया नहीं था, तो हमारे जो बादाम के छिलके भी इजीली निकल जाएंगे। तो ये देखिए हल्का सा पुश करिए, निकल जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके मैं सारे जितने बादाम हैं उनके छिलके निकाल दूँगी, हल्का सा फिंगर और थंब की सहायता से आप हल्का सा प्रेस करिए, ये देखिए तुरंत निकल जा रहे हैं। तो ऐसे करके मैं सारे के सारे निकाल दी हूँ। इसके बाद जो प्याज है, प्याज हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, तो छिलके ये देखिए बादाम के छिलके रखे, और प्याज को भी गर्म बहुत है, थोड़ा सा सावधानी से हल्का सा पुश करिए, इसके बाद खोल दीजिए जिसमें कि ठंडे हो जाएंगे, तो इनको पीसने में आसानी रहेगी। ठंडे करके पीसिए, गर्म ना पीसे। जब ये ठंडे हो गए थे हमने डाला इसको जार में, जार में डाल करके सो बिल्कुल सा स्मूथ पेस्ट बनाना है, जो कि मैं चल रही तो बनाऊंगी। ये देखिए तो पता है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ काजू और बादाम का पेस्ट है। और आप इस टाइप अगर पनीर बनाते हैं ना, तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो नॉर्मल देखिए तो मॉर्निंग में तो हमने जो लंच वंच वगैरह बनाए जो बेसिक खाने थे, तो इस बार हमने जो पनीर की रेसिपी बनाई हुई है बिल्कुल से हट के, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाला ज़्यादा था, उसको मैंने सेपरेट कर लिया, इसको रखती हूँ इतना बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने बेसिक मसाले लिए, लेकिन थोड़े थोड़े से लिए, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा है इस, मतलब ज़्यादा का मीन्स 1 चम्मच है भर के, बाकी गरम मसाला, हल्दी और मिर्च पाउडर बहुत थोड़ी थोड़ी लिया है। इसको पानी में डाल देंगे और भीगने देंगे, तब तक हम अपनी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और मसाला निकाल लेंगे खड़े। तो यहाँ पर हमने लौंग, इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, और ये देखिए तो थोड़ा सा स्टार फूल का छोटा सा एक टुकड़ा लिया हुआ है, सरसों का तेल डाल दिया हमने कढ़ाई में। और तेल डालने के बाद में इसमें अपने जो मसाले भिगो करके रखे वो डालेंगे। पहले प्याज वाला पेस्ट नहीं डालना है, क्योंकि उसमें काजू बादाम भी पिसा हुआ है, और जो प्याज का और लहसुन का जो कच्चापन है वो तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि हमने उनको अच्छे से बॉईल कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप बनाइए, और मुझे कमेंट करिएगा कि ये वाला जो पनीर बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो मसाले जो हैं वो हमारे पक चुके हैं, और इसके बाद जो हमने पेस्ट बना करके रखा हुआ है, लहसुन, अदरक, मिर्च, काजू, बादाम, इन सब का जो पेस्ट है वो हम डाल देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद में इसको चला लेंगे, और जो जार में लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके खंगाल के आप उसको भी डाल दीजिए, वेस्ट ना करिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को वेस्ट करना कोई अच्छा नहीं होता है। तो आप उनको यूज़ कर लें तो अच्छा ही होता है कि आप उसको इस्तेमाल कर लें, बार फेंक देने से अच्छा है कि आप इस्तेमाल कर लें। तो मैं वो करती हूँ, तो आप लोगों को भी वही सलाह देती हूँ कि आप ऐसा ना करें। तो चलिए मसालों को हमने डाल लिया है, डालने के बाद में थोड़ा सा उसमें हमने आधा गिलास पानी डालने के बाद जार को धुल के हमने इसी में डाल दिया, क्योंकि अभी इन मसालों को पकना बाकी है। जो बाकी जो बेसिक मसाले हैं वो तो हमारे अच्छे से पक गए हैं, लहसुन, अदरक, मिर्च और काजू बादाम का जो पेस्ट है उसको भी थोड़ा पकना चाहिए मसालों के साथ में, तो अच्छे से दोनों सभी का फ्लेवर है एक साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा, नहीं तो अलग अलग सा लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ढक्कन लगा करके ये देखिए, तो अभी इसको पकने देंगे, अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए, और इस मसाले को अच्छे से पका लीजिए। जब तक हमारे मसाले अच्छे से नहीं पकते तो पनीर में फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तो इस टाइप से पनीर बनाइए, और यहाँ पर अगर आपको बटर पनीर ऐसा ही बनाना है तो ग्रेवी का जो है, तो बस यहाँ पर मसाले जो हमने स्टार्टिंग में पकाए हुए हैं वो नहीं पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम डाल दिए हुए हैं स्वादानुसार नमक। तो कभी अगर आप किसी को बटर पनीर की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया, मसाले पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे पनीर डाल देना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मसाला पकते पकते काफ़ी कम हो चुका है, तो मेरा मन किया चलो 1-2 मिनट और पका देते हैं, इसके बाद ये पनीर डालने के लायक हो गया। तो ये देखिए
तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर अभी ये जो ग्रेवी पक रही, मसाले पक रहे हैं, आपके ऊपर छींटे ना है, तो जो पनीर है उसको बहुत ही सावधानी से डालिए, एकदम से जंप करके ना डालिएगा, नहीं छींटें आप तक आएंगी, तो इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधानी से डालें। या गैस को बंद भी कर सकते हैं और तब भी आप बहुत धीरे से डालिए क्योंकि ग्रेवी तो ऑलरेडी गर्म है ना अभी। तो चलिए, इसको हमने जितना पनीर था वो हमने डाल दिया हुआ है, और पनीर हमारे पास जो था वो था पूरा हमारे पास 700 ग्राम, और थोड़े से पनीर को हमने इस बिल्कुल से क्रश्ड कर दिया है उसी ग्रेवी में डालने के लिए। और जो इसकी ग्रेवी बनती बहुत अच्छी बनती, बिल्कुल क्रीमी। तो यहाँ पर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा सा जार धुल के डाला हुआ था, वो एक अलग बात है क्योंकि मसाले ऐसे बर्बाद जाते। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में इसको पकाते रहेंगे, बिल्कुल से ज़्यादा देर के लिए नहीं छूटेंगे कि आप कहीं कढ़ाई के बॉटम में ना लग जाए। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे जिसमें कि हमारी जो पनीर की सब्ज़ी वो चले नहीं नीचे। और इसमें तो अभी मुझे दूध डालना है, दूध डालना है, मलाई डालना है। तो सबका मन था क्या थोड़ी सी अलग टाइप की ग्रेवी हो, तो यहाँ पर ये देखिए मलाई और दूध लगभग यहाँ पर हमने 2 कप डाल दिया हुआ है भर के दूध, और पूरी मलाई डाल दिया हुआ। इसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे, चलाने के बाद में तो हाँ सच बताऊँ तो अगर आप इस टाइप से पनीर बनाते हैं तो सच में तो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद करी जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो पसंद करने वाले लोग होंगे वो होंगे आपके बच्चे, क्योंकि बच्चों को इस टाइप से कम मसाले की क्रीमी थोड़ी सी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ये तो बात सच है, इस टाइप से चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए इसको अब फिर से ढक कर के पकाएँगे, और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वैसे ही पकाएंगे जैसे कि हमने मसाले पकाए हुए थे। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, तो यहाँ पर डाल देंगे हमने, यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल दिया वह कसूरी मेथी। तो आप चाहें तो इसको हल्का सा रोस्ट करके मींस गर्म करके और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे डालिए। तो मुझे ऐसे ही डालने का मन था इसलिए मैंने ऐसे ही डाला, आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे डाल लीजिए। तो यार सब्ज़ी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। तो सब्ज़ी तो हमारे ऑलमोस्ट रेडी है, और हमारा रात का डिनर भी रेडी है, राइस हमने पका लिया हुआ है, बस रोटियां सेकना है, तो रोटियां सेकेंगे। तो यार किस किस को इस टाइप की रेसिपी ज़्यादा पसंद आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें कि जो रेसिपीज़ वीडियोज़ हैं सभी के लोगों के पास तक पहुँचे, और जो रेसिपीज़ हैं अलग अलग प्रकार की सबको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बच्चों को खाना खिलाएंगे, फिर से मिलेंगे मॉर्निंग में नए ब्लॉग के साथ में, नई सुबह के साथ में, और आपका प्यार सपोर्ट ऐसे हमारे साथ में बना रहे। तो सब्जी तो हमारी ऑलरेडी बनकर रेडी हो गई है, तो बच्चों को खिलाऊंगी। तो यार चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, और हाँ मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल में शॉर्ट्स में। तो रेसिपीज़ देखिए, इंजॉय करिए, हर हर महादेव, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में।